कैसे हैं मेरे भोपाल के दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो स्वागत है हम लोग की न्यू व्लॉग में, जो कि है फूड व्लॉग। और आज हम आप लोग को बहुत ही एक स्पेशल जगह लेके जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्यूजन फूड फेमस है और जिसका नाम है फूड अड्डा। और फूड अड्डा पे बहुत ज़्यादा फेमस वेराइटीज़ अवेलेबल हैं, क्योंकि जैसे देखा जाए तो उनका एक लम्बू इतना बड़ा बर्गर है वो फेमस है, वो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं वो ऑर्डर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं वो खा नहीं पाऊंगा गाइस। तो चलिए हम आप लोग को वहाँ ले चलते हैं। तो उससे पहले जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। तो चलते हैं फिर। आज हम लोग आ चुके हैं फूड अड्डा पे, तो गाइस हम आप लोग को अंदर ले चलते हैं, तो आ जाइए। फूड अड्डा पे और ये यहाँ के ओनर है फैनिल भाई, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट है भाई। और भाई यहाँ का जो फूड का जो टेस्ट है ना, मैं आपको एक एक चीज़, और यहाँ का एक ब्लॉगर्स का मेन्यू है अलग, तो हम लोग वो पूरा मेन्यू आपको पूरा दिखाते हैं और आपको सारी चीज़ें बताएंगे यहाँ पे क्या स्पेशल है क्या नहीं है। और फैनिल भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा सेल सबसे ज़्यादा किसकी है यहाँ पे? जैसे ये फूड अड्डा मुंबई का फ्रेंचाइजी बेस्ड है, ओके, मुंबई का फास्ट फूड का है और पूरा फ्यूजन फूड पे, ओके। और यहाँ की सबसे स्पेशलिटी है पनीनी सैंडविच, जो एक इटली का एक कॉन्सेप्ट है पनीनी सैंडविच। पनीनी सैंडविच में पूरा ब्रेड भी हम बनाते हैं, जैसे कोई भी चीज़ बर्गर हो या कोई भी चीज़, उसका सबका ब्रेड हम भी बनाते हैं, पूरा बॉम्बे से ट्रांसपोर्ट होता है, ओके। और सब यहाँ पे बनता है, कुछ भी हम बाहर से सिर्फ जो रॉ मटेरियल से वही लेते हैं, बाकी सब ये यहाँ पे बनाते हैं, मतलब सब आपके यहाँ पे। तो भाई मैं आप लोग को एक और चीज़ बताऊंगा, पैनल भाई यहाँ के नहीं है, प्रॉपर मुंबई के ही हैं और मुंबई से अपनी फ्रेंचाइजी लेके यहाँ पे आए हैं। और गाइस इन लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है अभी, और जो भी मेरे दोस्त यहाँ का एड्रेस जानना चाहते हैं और इनका इंस्टाग्राम हैंडल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और गाइस अपन चलते हैं आपको टेस्टिंग करना। तो गाइस हम लोग का फूड आ चुका है और आज हम लोग फूड अड्डा में हैं, आप लोग को बहुत सारे स्पेशल आइटम्स दिखाते हैं और यहाँ का प्रेजेंटेशन मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा गाइस, तो मैं आप लोग को भी दिखाता हूँ, देखिए। ओहो, अबे साले खाने में ध्यान दे। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ आई एग्री टू कमिट माय चीजी सिंस इन द नेम ऑफ फूड अड्डा, ओके। और ये बर्गर है इनका, देखो आप यार गाइस, ये गाइस चॉकलेट पैनकेक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। इसमें जेम्स पूरे प्रेजेंटेशन में जेम्स डाली हुई है ऊपर से। तो गाइस आइए हम लोग आपको इसका टेस्ट बताते हैं कि कैसा है टेस्ट। तो गाइस हम लोग आप लोग को यहाँ का टेस्ट बताते हैं, वही गाइस खा के दिखाते हैं, पहले पिज़्ज़ा से ट्राई करते हैं। ओहो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है ये। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और बहुत ज़्यादा जूसी है यार, आप जो इसमें स्टफिंग देख पा रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है यार। और इन्होंने मतलब ये हमने पनीर वाला पिज़्ज़ा मंगाया है, और गाइस जो इसका टेस्ट है ना बहुत अच्छा है, और इसकी जो ये बेस है ये भी इन लोगों ने खुद ही बनाया है। तो गाइस बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, और मैं आपको अब ये पनीनी सैंडविच इन लोग के यहाँ का बहुत ज़्यादा स्पेशल है, मैं आप लोग को वो ट्राई करके बताता हूँ कैसा है टेस्ट में। वैसे जो इसकी जो स्मेल आ रही है ना मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा करना टाइम लगता है। ये जो पनीनी सैंडविच था ना, इसमें बहुत ज़्यादा शानदार है, और इसमें आप देख सकते हो पूरी चीज़ की लेयर लगाई हुई है ऊपर, और फिर उसके बाद बीच में इन लोगों ने देखिए पूरे में पनीर की स्टफिंग है, और बहुत ज़्यादा तरीके से इन लोगों ने एक्चुअली इनकी ब्रेड भी, इन लोग के जो इन लोग के आपके यहाँ शायद ब्रेड भी बनती है वो आपके यहाँ की है ना, तो ब्रेड का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है इनके यहाँ की ब्रेड, तो वो जो सैंडविच का जो टेस्ट है ना वो मुँह में घुल रहा है सीधे जाते ही अंदर।
लोगों से अभी ये भी पूरा ख़त्म नहीं हो पाया है, बट पूरा तो ख़त्म करना ही है। बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया ये सब। और गाइस आप ये बर्गर का साइज़ देख रहे हो और मेरे पेट का साइज़ देख रहे हो, मेरे को लग नहीं रहा ये अंदर जाएगा, बट मेरे को जो इसको टेस्ट करने का वो है ना एंग्जाइटी जो हो रही है अंदर से कि इसको टेस्ट करना कि है कैसा। वैसे तो ये दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं आप लोग को एक और चीज़ दिखाता हूँ कि इसके ऊपर जो चीज़ की जो लेयर डली हुई है ना और जो अंदर स्टफिंग है, और एक्चुअली इन लोग का जो चीज़ है ये पूरे भोपाल में ये वाला चीज़ नहीं मिलता है गाइस। तो ये लोग मुंबई से ये लोग यहाँ पे मंगवाते हैं और इनके अलग सोर्सेज है मंगवाने के, वो हम लोग आउट नहीं कर सकते। तो गाइस इनका जो चीज़ का जो टेस्ट है ना वो भी अलग है। जैसे चीज़ क्या है ठंडा हो गया रबड़ जैसा रखने लग जाता है, यहाँ पे मेरे को वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है बिल्कुल भी, मतलब फेस वो माउथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि यार मैं च्यूई हो रहा है चीज़ और ऐसा वैसा कुछ भी नहीं लग रहा गाइस। तो आइए हम आपको इसका टेस्ट बताते हैं। गाइस तो जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ का जो चीज़ है इन लोग का, आप देख सकते हो कि अंदर भी जो चीज़ की स्टफिंग हुई हुई है, एक जो दो तीन चीज़ की मोज़रेला टाइप की जो चीज़ होती है उसकी स्टफिंग हुई हुई है, और तीन तरीके की चीज़ इसके अंदर ही है, एक चीज़ इसके ऊपर है। तो गाइस आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा ये तो खाने में क्या लग रहा है कि अब मैं ख़त्म कैसे करूँ यार, एक तो बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है बट टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो गाइज़ मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा आप लोगों को यहाँ पे दो चीज़ें हैं जहाँ की फेमस हैं, एक ये बर्गर है इनके, एक इतना बड़ा बर्गर भी है लम्बू बर्गर। तो लम्बू बर्गर हम लोग खा नहीं पाते इसलिए हम लोगों ने ऑर्डर नहीं किया, बट हमको नेक्स्ट व्लॉग में यहाँ के हम लोग ज़रूर दिखाएंगे यहाँ का जो लम्बू बर्गर है। उसके लिए मैं तीन चार दोस्त और इकट्ठे करूँगा ताकि हम लोग ख़त्म तो कर पाएँ एटलीस्ट वो, क्योंकि वो इतना बड़ा बर्गर हम लोग खाएँगे कैसे। और यहाँ की इनकी स्पेशलिटी वो भी है, एक ये बर्गर हो गया और एक ये पनीनी सैंडविच ये नाम है ना, पनीनी सैंडविच भी यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है गाइस, डू ट्राई एंड मेरे को ये ख़त्म करने दो। तो गाइस हम लोग का बर्गर बड़ी मुश्किल से ख़त्म हुआ है और अब हम लोग यहाँ का जो स्पेशल पैनकेक्स है वो हम लोग ट्राई करके आपको बताते हैं कि कैसा है। वैसे तो प्रेजेंटेशन भाई लोग के यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा है और इस पर जेम्स की मतलब करा हुआ है इन लोगों ने। ये जेम्स ने और टेस्ट को, वैसे भी बहुत अच्छा टेस्ट है, उसको और मतलब इंक्रीज़ किया है। तो भाई यहाँ का जो पैनकेक था उसका भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस टेस्ट था, और भाई ने हम लोग को दो ड्रिंक्स भी ऑफर करी हैं। एक ये है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेंच वनीला। जो ये फ्रेंच वनीला का टेस्ट है ना गाइस, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और रिफ्रेशिंग है। और ये इन लोगों ने एक दिया है भाई हम लोग को मोहितो, ये मिंट मोहितो है। कौन सा फ्लेवर है भाई ये? पीची और लीची फ्लेवर है। और इसका जब भी मेरे को टेस्ट बड़ा अच्छा लगा, वैसे हम लोग ज़्यादातर जो मोहितो पीते हैं वो लेमन मोहितो होता है, बट ये जो पीची और लीची वाला जो कॉम्बिनेशन है फ्यूजन फूड का, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो गाइस ये दोनों चीज़ें, इन सब जो हैवी हैवी भाई ने खिलाया ना तो उसको कवर कर रहे हैं ये लोग, ये खिला के हमें। तो खाना बहुत मतलब जो इनका जो फ्यूजन फूड है ना वॉज रियली गुड, एंड आई एम रिकमेंडिंग यू गाइस टू ट्राई द पनीनी सैंडविच एंड द लम्बू बर्गर, डू रिकमेंडेड एंड डू विजिट दिस प्लेस। तो गाइस ये था हम लोग का फूड अड्डा का ब्लॉग, और यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था, और ये हमारे फैनिल भाई हैं यहाँ के ओनर हैं। तो गाइस इनका भी नंबर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। फैनिल भाई आपसे मिलने के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हम लोग, और इतनी मेहमान नवाजी के लिए भी बहुत ज़्यादा थैंक यू है। और भाई फूड अड्डा को प्लीज़ फॉलो भी करना इंस्टाग्राम पर, और मैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। भाई आप भी बोल ही दो लोगों को कि आप बोले शेयर कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर अपना पेज है फूड अड्डा भोपाल, हाँ तो आप फॉलो करना, और हम एक्साइटिंग ऑफर भी डालने वाले अभी, और कूपन कोड आप यहाँ पे दिखाओगे तो आपको 10-20% ऑफ भी मिल जाएगा। अच्छा। तो वो भी हम बताएंगे, तो ये देंगे आपको हमारा लिंक, आप हमको फॉलो करना।
तो गाइज मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो गाइज अभी तक भी मेरे जिसने भी मेरे दोस्त ने फॉलो नहीं किया है तो गाइज नीचे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, बहुत सारी नोटिफिकेशन मेरी आती रहेंगी तो ऐसी वीडियोज आपके पास पहुँचती रहेंगी।